प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। दीपक शर्मा ने रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 2 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लोगों को हकीकत पता चल गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल सराज विधानसभा के ही मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं और बाकी विधानसभा क्षेत्रों की जमकर अनदेखी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। दीपक शर्मा ने रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान 2 साल के बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लोगों को हकीकत पता चल गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल सराज विधानसभा के ही मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं और बाकी विधानसभा क्षेत्रों की जमकर अनदेखी की जा रही है। ये सरकार पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल को अगर हम देखें तो ये निकम्मी सरकार साबित हुई। इस सरकार ने जो भी 2 वर्षों में लोगों को सपने बेचे थे, आज लोग जो हैं उन सपनों की हकीकत इनसे पूछ रहे हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। प्रदेश की 67 बाकी जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन सब की जमकर अनदेखी हो रही है। खासकर हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र तो पूर्णतः जो है वो अनदेखी के शिकार है। कोई भी एक ऐसा विकास का पत्थर इस सरकार ने अपने पिछले वर्षों में नहीं लगाया और जो भी विकास की बात हुई है वो मात्र सराज विधानसभा क्षेत्र तक सीमित है। यहाँ तक मंडी जिला भी उनका जो है वो पूर्णतः भेदभाव का शिकार हुआ है। दीपक शर्मा ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी किसी भी मंच पर अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रख सकते हैं और प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के आदेशानुसार अब पार्टी के खिलाफ कोई बातचीत करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पहले हुए मुद्दों को सुलझा दिया गया है और अब उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। जो पदाधिकारी हैं पार्टी के उनकी कोई भी व्यक्तिगत राय नहीं होती, वो पार्टी की जो पद हैं और गरिमा है उसकी सीमा से बंधे हैं। व्यक्तिगत राय कब होगी? जब आप अपने पद से त्याग पत्र देकर आप कहीं अगर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप में आप बैठे हैं आप तब व्यक्तिगत राय दे सकते हैं, वरना आप जो हैं वो पार्टी के संविधान से बंधे हैं कि पार्टी के उस उन मान्यताओं से बंधे हैं कि आपकी व्यक्तिगत राय नहीं पार्टी की राय है। पहली बात है प्रदेश में अभी हमारे सह प्रभारी कीरत कोटली जी शिमला में आए थे, उन्होंने भी बात हमीरपुर की नहीं, प्रदेश में भी कुछ नेता जो हैं वो व्यक्तिगत राय कहकर पार्टी की लाइन से बाहर बातचीत कर रहे थे। उनको दिशा निर्देश सख्त रूप में दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का ऐसा कोई भी अगर बातचीत करता है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल उन मुद्दों के ऊपर सारी जो है किसी को कोई चीज़ ध्यान में लानी है वो ला सकते हैं अध्यक्ष जी के पास, लेकिन अगर मीडिया के तहत उस चीज़ को कोई लेके जाता है तो उसके ऊपर आगामी समय में कार्रवाई होगी। पहले जो मुद्दे हुए हैं उनको सुलझा दिया गया है, सुलझा दिया। 2 विधानसभा में होने वाले उपचुनावों पर दीपक शर्मा ने कहा कि दोनों सीटों को कांग्रेस बीजेपी से छीन लेगी और चुनावों में बीजेपी के पत्र बम के मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्र बम में मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी और बीजेपी का असली चेहरा जनता को दिखाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर हर व्यक्ति एक दूसरे को हराने के लिए तैयार रहता है, तो हालात तो उनके खराब हैं। जहाँ तक आपने बात की पछाड़ की, पछाड़ हमारी डॉक्टर वाईएस परमार जी के वक्त से एक परंपरागत सीट रही है, वहाँ पे कांग्रेस के लोग हैं। वहाँ पर निस्संदेह इस वक्त माहौल लोगों को पता लगा है, लेकिन छलकर राजनीति नहीं होती। पत्रबम आया
उसमें जो मुद्दे हैं पत्थर बम के मुद्दों को हम जनता के बीच लेके जाएंगे। बात ये नहीं है कि कौन कह रहा है, बात ये महत्वपूर्ण है कि क्या कह रहा है, उसका कंटेंट क्या है। तो कंटेंट महत्वपूर्ण है। उस पत्थर बम में जो मुद्दे कहे गए हैं वो महत्वपूर्ण है, उनके ऊपर सरकार आज तक कोई बात नहीं कर रही है। तो उसको निसंदेह हमको और सरकार की नाकामियों को हम जो है वो मुद्दा बनाएंगे और जनता के बीच। दीपक शर्मा ने कहा कि जिन धना सेठों ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी की मदद की थी उनके लिए सरकार काम कर रही है और हिमाचल ऑन सेल इन्वेस्टर मीट के नाम प्रदेश को बेचने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। दीपक शर्मा ने कहा कि प्रदेश में खोले गए मेडिकल कॉलेजों की हालत दयनीय है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आधारभूत ढांचा ही नहीं है, ऐसे में रसम अदायगी के लिए मेडिकल कॉलेजों को चलाया जा रहा है। आज स्थिति ये है कि जिन धन्ना सेठों ने लोकसभा चुनावों में और पिछले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की दिल खोल कर मदद की थी, ये सरकार छदम तरीके से नेपथ्य में रहकर एक ऐसा षड्यंत्र रच रही है कि हिमाचल ऑन सेल का कार्य शुरू हो चुका है। इन्वेस्टर मीट के नाम पर प्रदेश को बेचने का काम किया जा रहा है, वो जनता त्राही त्राही कर रही है। जो मेडिकल कॉलेज खोले हैं शर्म आती है देखकर कि नाम तो मेडिकल कॉलेज का है और वो बच्चे क्या पढ़ेंगे, जिन बच्चों को वहाँ डॉक्टर बनने के लिए वो उन मेडिकल कॉलेजेस में हैं उनको वहाँ पर आधारभूत ढांचा ही नहीं है। भ्रष्टाचार सबसे चरम सीमा पर अगर कहीं है तो स्वास्थ्य महकमे में पैदा हुआ। हर चीज़ में किस ढंग से क्या खेल खेला जा रहा है ये आपके सामने है।